यार फिर से चार्जिंग खत्म हो गई और मेरे पास तो कोई और चीज भी नहीं है एंटरटेनमेंट के लिए। चलो आईपैड को चार्जिंग पे लगा दो। मस्त प्लान है यार, अब क्या करूं? काश सामने एक बड़ी सी एलसीडी होती है और मैं उसमें कार्टून देखता बहुत सारे और तब तक आईपैड की चार्जिंग भी हो जाती। पर जनी भाई इतने कंजूस है कि एक बड़ी सी एलसीडी लगा के ही नहीं दे रहे कि मैं उसमें कार्टून देखूं। A few moments later. यार जनी भाई क्या हुआ? यार मुझे एक और चीज चाहिए। अब क्या चाहिए यार तुम्हें? जब देखो कुछ ना कुछ तुम्हें चाहिए होता है यार। यार रेलवे बस एक छोटा सा काम है। अब क्या काम है यार मुहेर? यार मुझे एक बहुत बड़ी सी एलसीडी चाहिए यार। वो किस लिए? यार जब मेरा आईपैड चार्जिंग पे तो बहुत सारे कार्टून देखूंगा ना यार। पागल हो? पहले आईपैड पे टाइम जाया कर। तो जब आईपैड चार्जिंग पे लगा देते हो तो फिर कार्टून देखना है तुम्हें? और वैसे भी मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। सही है यार, कोई तो तरीका होगा ना जलमी भाई। रुको मुझे सोचने दो यार। हाँ सोचो सोचो। तुम्हारी शक्ल देख के मुझे एक लोटा याद आ गया है। यार ये मजाक का टाइम है। अरे नहीं यार सही बात बता रहा हूँ। इधर आओ तुम्हें एक चीज बताता हूँ। देखो उस्मान भाई नहीं है वही उस्मान प्लेस वाले? हाँ हाँ। अरे उन्होंने मुझे एक लोटा दिया है पागल, और उस लोटे के अंदर जिन है। वो जिन? अरे इतना खतरनाक जिन नहीं है यार जितना तुम डर गए हो। इतना खतरनाक जिन होता तो लोटे में रहता। ये बात सही की आपने। पर एक बड़ा मसला है, उस लोटे की शक्ल तुमसे मिलती है। अबे यार एक तो आपकी ठंडी चूसे। अच्छा नाराज क्यों होते हो यार, काम की बात बता रहा हूँ। वो जो लोटा है ना उसके अंदर एक जिन है। वो जिन सिर्फ एक ही बार निकल सकता है, और उस जिन को निकालने के लिए बहुत सारे सवालों के जवाब देने। तो जिन के निकलने से क्या फायदा होगा? उस जिन के बारे में ये चीज मशहूर है कि जिसने सारे सवाल के जवाब देकर जिन को बाहर निकाल लिया तो जिन उनकी एक ख्वाहिश पूरी करेगा। और तुम्हारी ख्वाहिश तुम्हें पता है क्या है? एलसीडी कार्टून के लिए। आए हाय हाय हाय। पर उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उस्मान भाई को सब्सक्राइब करना है, तो सबके सब जाके उस्मान भाई को सब्सक्राइब करो। ये जल्दी से बोल दो सबको, वरना जादू असर नहीं करेगा मुहिब और जिन भी बाहर नहीं निकलेगा। गाइस जल्दी से जाके उस्मान भाई को सब्सक्राइब करो, तो ये वाला गिफ्ट भी उस्मान भाई देने वाले मुझे। हाँ गाइस सबके सब सब्सक्राइब कर दो, लाजमी से लिंक तुम लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अभी मुहिब के सवालात का समय आ चुका है। तैयार हो? तैयार है। चलो चलो मुहिब तुम्हारा क्विज स्टार्ट होने वाला है। ठीक है कौन सी गन है बताओ? ये उजी है ना, उजी आवाज आ गई। उजी। चलो एक सवाल अब ठीक है। अब तुम्हें जादुई लोटे तक पहुंच सकते हो तुम यार? ये कौन सी है? ये शायद डीपी है। चलो चेक करते हैं। डीपी। ओ भाई साहब मुझे पता ही नहीं है। ये दूसरी नंबर वाली पता नहीं कौन सी, मुझे नहीं पता शॉर्ट गन का, नहीं पता मुझे। ओए दूसरी वाली निकली, ठीक हो गया, बचा तो बोल दिया। ग्रोथ है पक्का। पता लग यार तुम तो लोटे के करीब होते जा रहे हो यार। लोटे की शक्ल वाला बिल्कुल लोटे के करीब हो गया। एकेम ये लो, लो एकेम। छठा सवाल गलत हो गया यार, सॉरी। एकेम लो भाई लो, आगे मुश्किल आने वाले बेटा। आ गया ना गलत, जल्दी पिस्टल का आ गया यार। मुझे पिस्टल का नाम ही नहीं पता मुझे। एक गेस कर लो। दूसरी नंबर वाली P92। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं टॉमी। अच्छा पिस्टल का मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। टॉमी 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 टॉमी। ओए दो सवाल बचे, सिर्फ दो सवाल बचे हैं वो लोटे के जिन के पास जाने के लिए। लास्ट सवाल गाइस, आप अपना क्विज भी लेना सही है इस तरीके से। M416 लास्ट इतना आसान है, M416 आ गई लो। सो गाइस आप लोगों ने बताना है, आप लोगों ने भी एक क्विज बार बार ट्राई करना है और चेक करके बताना है कि आप लोग कितने नंबर लेते हो, ठीक है इसमें। और अब चलते हैं मुहिब लोटे वाले जिन के पास। लोटे वाले जिन की बैंपी श्री। मैं जीत गया। ये किधर है, किधर है वो लोटे वाला जिन? उसके लिए तुम्हें पहले लोटा चाहिए। तो दो ना लोटा। लोटा दे रहा हूँ सही है, पर ख्याल से यूज करना, सिर्फ एक ही बार चांस है तुम्हारे पास। सही है सही है।
चलो ये लो तुम्हारा लोटा। ओए ज्यादा खुश मत हो, आराम से आराम से आराम से। क्या हुआ भाई? लोटे को रगड़ने से जिन बाहर आ जाएगा, तो जिन को अपने टाइम पे बुलाओ। तो मुझे अभी बुलाना है। लोटे को उठाओ और आराम से यहाँ पे रख दो। जब तुम लोटे को हिलाओगे ना, तो यहाँ से जिन बाहर आ जाएगा। ठीक है? ठीक है ठीक है। और शाम के 8 बजे ही लोटे को रगड़ना, तो जिन बाहर आएगा। ठीक है? ठीक है ठीक है। 6.5 hours later. चलो यार 8 बज गया, लोटे को रगड़ा लगा तो। कौन हो भाई आप? मैं फूड पांडा राइडर हूँ भाई। मैं जिन हूँ और कौन हूँ? तुमने लोटे को रगड़ा है? जिन भाई मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। कैसी ख्वाहिश बेटा? मुझे एक बड़ी सी LCD चाहिए कार्टून के लिए, वो मुझे दे दो। बेटा अगर मैं तुम्हें LCD दे सकता और मेरे पास इतने पैसे होते, तो क्या मैं लोटे में रहता? तुम्हारी ये ख्वाहिश तो सिर्फ उस्मान प्लेज ही पूरी कर सकता है। जाओ उसके पास, दबाओ जाओ। So guys, जिन तो हमें LCD नहीं दे पाया, पर उस्मान भाई ने हमसे वादा किया है कि वो देने वाले हैं हमें एक बहुत बड़ी LCD जिसमें मोहिब बहुत सारे कार्टून देख सके। असल में वो मोहिब की ख्वाहिश पूरा करना चाहते हैं, इसलिए वो हमें बहुत बड़ी LCD देंगे। So guys, वो मोहिब की ख्वाहिश पूरे कर रहे हैं, तो आप हमारी ख्वाहिश पूरा करो, उनके चैनल को सब्सक्राइब करो, लिंक तुम लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एक छोटा सा हादसा हो गया था जिन वाले क्लिप के दौरान, और जो जिन वाले जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था ना, उससे आंखों में जलन बहुत ज्यादा हो रही थी, तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, और यहाँ पे थोड़ी सी आग भी लग गई थी, उसकी क्लिप भी मैं लास्ट में लगा दूंगा। गाइस प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। इसी के साथ ही अपने भाई को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा ज़ल्मी आर्मी। अल्लाह हाफिज। बाय 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 बाय। ओए ये क्या धुआं निकल रहा है? क्या आग पकड़ ली इसने?